हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर अनिल अरोरा डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी डूंगर कॉलेज बीकानेर से आज हम इस वीडियो में प्लांट इंटरैक्शन विद अदर ऑर्गेनिजम्स अर्थात पादपों की अंतर क्रियाएँ दूसरे जीवों के साथ इस पर हम चर्चा करेंगे इन इकोलॉजी ए बायोलॉजिकल इंटरैक्शन इज द इफेक्ट दैट ए पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टूगेदर इन ए कम्युनिटी हैव ऑन ईच अदर बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस या जैविक अंतर क्रियाएँ क्या होती हैं कि एक ही कम्युनिटी में एक ही समुदाय में रहने वाली जातियाँ एक दूसरे पर क्या प्रभाव डालती हैं एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं उनका जो परस्पर पर अंतर क्रिया होती है उसे हम बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस या जैविक अंतर क्रिया कहते हैं दे कैन बी आइदर ऑफ द सेम स्पीसीज वो एक ही जाति में हो सकता है जिसे हम इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस अंतर जातीय अंतर क्रियाएँ कहते हैं और ऑफ डिफरेंट स्पीसीज और दो भिन्न जातियों में भी हो सकता है जिसे हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन्स कहते हैं जिसे अंतर जातीय अंतर क्रिया कहा जाता है दीज इफेक्ट्स मे भी शॉर्ट टर्म ये जो क्रियाएं हैं ये छोटे समय के लिए हो सकती हैं थोड़े समय के लिए हो सकती हैं लाइक पॉलिनेशन एंड प्रिडेशन जैसे कि प्रांगण की क्रिया और शिकार और लॉन्ग टर्म और लंबे समय के लिए भी हो सकती हैं बोथ ऑफन स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज इन्वॉल्व चाहे अंतर क्रियाएँ थोड़े समय के लिए हों चाहे अंतर क्रियाएँ लंबे समय के लिए हों दोनों प्रकार की अंतर क्रियाएँ उस जाति के इवोल्यूशन उद विकास को प्रभावित करती हैं ऑल दो बायोलॉजिकल इंटरेक्शन्स मोर और लेस इंडिविजुअली वर स्टडीड अर्लियर एडवर्ड हिक्कल नाइनटीन फोर्टी नाइन गे वे इंटर इंट इंटरग्रेटिव अप्रोच टू द थीमेटिक प्रोजिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ को एक्शंस उन्नीस सौ उनचास में हल ने इन सभी प्रकार की जैविक अंतर क्रियाओं को एक नाम दिया जिसे कोएक्शंस जिसे सहक्रियाएँ कहा जाता है हालाँकि इनका अध्ययन लंबे समय से प्रारंभ से ही होता रहा है लेकिन बाद में ऑडम ने 1966 में इन्हें पॉजिटिव प्लस एंड नेगेटिव माइनस इंटरेक्शंस अंतर क्रियाएँ कहा क्लोज एंड लॉन्ग टर्म इंटरेक्शंस आर डिस्क्राइबड एज सिम्बाइसिस क्लोज एक दूसरे के निकट संबंधी और लंबे समय तक चलने वाले जो इंटरेक्शंस होते हैं उन्हें हम सहजीविता या सिम्बायसिस भी कह सकते हैं शॉर्ट टर्म इंटरेक्शंस इंक्लूड प्रिडेशन एंड पॉलिनेशन जो थोड़े समय के लिए अंतर क्रिया होती है जिसमें जातियों का परस्पर संबंध थोड़े समय के लिए होता है उन्हें हम शॉर्ट टर्म अल्पकालिक अंतर क्रिया कहते हैं इसमें उदाहरण के लिए प्रिडेशन एंड पॉलिनेशन इसमें शिकार और परागन को हम उदाहरण मान सकते हैं और लेकिन यह दोनों ही प्रकार के चाहे वो शिकार हो चाहे वो पॉलिनेशन हो दोनों ही पादप उस की उस जाति की पारिस्थितिकी और इवोल्यूशन विकास के लिए आवश्यक होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं और ये दीज आर शॉर्ट लिव्ड इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ए सिंगल इंटरेक्शन ये शॉर्ट लिव्ड अल्पकालिक कैसे होते हैं कि इनमें केवल एक प्रकार की अंतर क्रिया होती है उसके पश्चात दोनों जातियाँ एक दूसरे से अ, अलग हो जाती है आ, ये एक प्रकार का अ, प्लस माइनस इंटरेक्शन है प्लस माइनस एक जाति को लाभ एक जाति को हानि प्रिडेशन या शिकार में एक जाति दूसरी जाति को मार कर खा जाती है उसका शिकार कर लेती है पॉलिनेशन या प्रागन की क्रिया में दोनों जातियों को लाभ होता है तो इसे हम प्लस प्लस, प्लस अंतर क्रिया भी कहते हैं पॉलिनेशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जीव हैं जैसे मधुमक्खियां हैं तितलियां हैं ये इवन बर्ड्स हैं इवन बैट्स हैं चमगादड़ भी और पक्षी भी प्रागन की क्रिया को करते हैं तो ये दोनों ही परस्पर लाभान्वित होते हैं पादप में प्रांगन की क्रिया से फर्टिलाइजेशन होता है और बदले में प्रांगन करने वाले जीव उस पुष्प से नेक्टर को प्राप्त करते हैं भोजन को प्राप्त करते हैं सिम्बाइसिस पॉजिटिव इंटरेक्शन सहजीविता जो पॉजिटिव इंटरेक्शंस हैं जो धनात्मक प्रकार की अंतर क्रियाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं म्यूचुअलिज़्म है जिसे हम कह सहोपकारिता भी हिंदी में से हम सहोपकारिता भी कहते हैं ये प्लस प्लस प्रकार की है अर्थात दोनों जातियों को लाभ होता है आ, इसे हम हिंदी में सहभोजिता कहते हैं इस पे एक जाति को लाभ होता है एक जाति को ना लाभ ना हानि तो इसे प्लस जीरो प्रकार का इंटरेक्शन कहा जाता है <coughs> प्रोटोको ऑपरेशन इस प्रकार के प्रोटोको ऑपरेशन का मतलब होता है कि सहभागिता एक प्रकार की सहभागिता होती है इसमें भी दोनों जातियों को लाभ होता है अब एक एक करके हम इन लेते हैं सबसे पहले म्यूचुअलिज्म सहोपकारिता जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है इसमें दोनों जातियां जो हैं वो आपस में म्यूचुअली बेनिफिट रहती है अर्थात एक दूसरे को लाभ पहुँचाती हैं और लेकिन इस प्रकार के संबंध में यह अविकल्पी प्रकार का संबंध होता है दोनों जातियों की एक दूसरे के लिए उपस्थिति आवश्यक होती है दोनों जातियों को जीवित रहने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता होती है एक जाति के बिना दूसरी जाति जीवित नहीं रह सकती चाहे ये संबंध शॉर्ट लिविंग हो चाहे लोग लॉन्ग टाइम का संबंध हो दोनों ही प्रकार की जातियों में दोनों जातियों का उपस्थित होना जरूरी है एग्जाम्पल्स इंक्लूड फ्लोरा जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर हमारी आंतों के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं नाइट्रो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं जो लेग्यूम पादपों की रूट नोड्यूल्स में जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं या लाइकेन हैं या माइकोराइजा है लाइकन में एल्गी और फंजाई परस्पर स्थाई संबंध बना करके रहते हैं माइकोराइजा में जो फंजाई होती है वो पेड़ की जड़ों के अंदर पाई जाती है <coughs> कमेंसलिज्म सहभोजिता इसमें एक जाति को लाभ होता है एक जाति को न लाभ ना हानि होती है कमेंसलिज्म में दोनों ऑर्गेनिज्म दोनों जीव और एक दूसरे के साथ रहते हैं इस उदाहरण के तौर पर हम कैसे देख सकते हैं इसके अंदर कि जैसे जंगल के अंदर ऑर्किड्स पाए जाते हैं या लताएं, लाइनाज पाई जाती हैं वो ऊंचे-ऊंचे वृक्षों की शाखाओं पर रहते हैं लेकिन वृक्षों से ना तो भोजन प्राप्त करते हैं ना आश्रय प्राप्त करते हैं वो अपना जीवन स्वयं जीते हैं बिना होस्ट को प्रभावित किए किए हुए तो इस प्रकार एक जाति को ना लाभ होता है हानि होती है जबकि दूसरी जाति उससे लाभ प्राप्त करती है लताएं ऊंचे ऊंचे वृक्षों से लिपट करके ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं जिससे उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिलता है प्रोटोकॉपरेशन प्रोटोकोपरेशन के अंदर क्या होता है कि जो इंटरेक्शन होता है दोनों जातियों का इस प्रकार के अंतर क्रिया में दोनों जातियों को लाभ होता है लेकिन ये अंतर क्रिया में दोनों जातियों का परस्पर स्थायी रूप से जैसे म्यूचुअलिज्म में होता है वैसे इसमें स्थायी रूप से साथ रहना जरूरी नहीं होता यह विकल्पी प्रकार का इंटरेक्शन्स होता है उदाहरण के लिए हारमिट क्रैब जो केकड़ा हारमिट केकड़ा जो होता है वो सी एनिमोन के साथ समुद्री सी एनिमोन के साथ ऐसा संबंध दर्शाता है सी एनिमोन हारमिट क्रैब के ऊपर बैठ जाता है जिससे हारमिट क्रैब उसे एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित कर देता है और बदले में हारमिट क्रैब को उसको जो शिकार करने वाले दूसरे जानवर हैं वो उसे पहचान नहीं पाते तो उसके जीवन को सुरक्षा मिल जाती है इस प्रकार दोनों प्रोटोकॉपरेशन से साथ साथ जीवन यापन करते हैं सिम्बाइसिस नेगेटिव इंटरेक्शन अब हम उन सहज जीवित उन संबंधों की बात करेंगे जो नेगेटिव प्रकार के हैं जो ऋणात्मक प्रकार के हैं इस प्रकार के संबंधों में इस प्रकार की अंतर क्रियाओं के अंदर एक जाति को अवश्य ही हानि होती है जैसे पहला उदाहरण हम लेते हैं पैरासाइटिज्म इसे हम हिंदी में परजीविता कहते हैं इस पैरासाइटिज्म स्पष्ट है कि इसमें दोनों जातियां परस्पर साथ रहती हैं लेकिन एक जाति को हानि होती है और दूसरी जाति भोजन और आश्रय के रूप में उससे लाभ प्राप्त करती है जैसे हम कह सकते हैं कि द पैरासाइट्स आइदर फीड्स ऑन द होस्ट फॉर एग्जांपल मैनी फंजाई एंड बैक्टीरिया कॉज प्लांट डिजीज जैसे जो फंजाई है जो कवक है या जो जीवाणु हैं वो पादपों के ऊपर अपना आश्रय लेते हैं और उनमें प्लांट डिजीज कर देते हैं पादप को बीमारी कर देते हैं धीरे धीरे पादप कमज़ोर हो जाते हैं या मृत हो जाते हैं तो इस प्रकार एक जाति को अवश्य ही हानि होती है दूसरा उदाहरण है अमेंसलिज्म अमेंसलिज्म में क्या होता है कि इसे हम असहभोजिता भी कह सकते हैं अमेंसलिज्म में क्या होता है कि इसमें ये इस प्रकार की अंतर क्रिया होती है जिसमें एक जाति दूसरी जाति को अपने अंदर उपस्थित रसायनों से नुकसान पहुंचाती है उसके अंदर जो उपस्थित रसायन होते हैं उनकी सहायता उनके द्वारा दूसरी जाति को वो नष्ट करने का कार्य करती है ये एक प्रकार का एक दिशीय प्रोसेस होता है जिसमें एक जाति ऐसे कंपाउंड को रिलीज करती है जो दूसरे पर ऋणात्मक प्रभाव डालती है इसका क्लासिकल एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इसकी तो हम पेनिसिलियम का उदाहरण हम ले सकते हैं कि पेनिसिलियम जो होता है ये दूसरे प्रकार के ऑर्गेनिज्म को दूसरे प्रकार के माइक्रो सूक्ष्म जीवियों को अपने आसपास उगने नहीं देता इसके अंदर जो पेनिसिलिन जो केमिकल होता है जो रसायन होता है वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर देता है इस प्रकार की अंतर क्रिया को एलिलोपैथी भी कहा जाता है नेक्स्ट उदाहरण है कंपटीशन कंपटीशन का अर्थ है प्रतिस्पर्धा इस प्रकार के इंटरेक्शन में दोनों ऑर्गेनिज्म या दोनों जातियाँ स्वयं के फिटनेस को स्थापित करती हैं जो जाति कमज़ोर है वो नष्ट हो जाती है और जो जाति सक्षम होती है उस वातावरण में रहने का वो जीवित रहती है कंपटीशन के अंदर किसके लिए होता है प्रतिस्पर्धा जातियों में किसके लिए होती है भोजन के लिए हो सकती है आश्रय के लिए हो सकती है जल के लिए हो सकती है यदि समान जातियों में यह अंतर क्रिया होती है तो इसे स्पेसिफिक कंपटीशन कहा जाता है अगर भिन्न जातियों में होती है तो इसे इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन कहा जाता है अर्थात अंत जातीय प्रतिस्पर्धा और अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा दोनों प्रकार की प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है क्योंकि एक ही प्रकार की जाति के सभी सदस्यों की आवश्यकता समान होती है तो जब वो ऐसे स्थान पर उपलब्ध होते हैं जहाँ पर भोजन या जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है तो उनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है जो सक्षम इंडिविजुअल हैं उस जाति के जो सक्षम सदस्य हैं वो तो जीवित रह जाते हैं और दूसरे सदस्य जो कमजोर हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं इसी प्रकार से जो भिन्न जातियाँ होती हैं वो भी भोजन आश्रय और जल इत्यादि के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा करती हैं इनमें जिस जाति के सदस्य स्ट्रोंग होते हैं सक्षम होते हैं वो भोजन और जल को अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं तो दूसरी जाति के सदस्य धीरे धीरे कमज़ोर होकर के नष्ट हो जाते हैं तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कंपटीशन है जो प्रतिस्पर्धा है जातियों के मध्य में एक प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन दिखाती है प्राकृतिक चयन दिखाती है अर्थात फिटनेस ऑफ द सर्वाइवल जो फिट है वही जीवित कर रहेगा वही सर्वाइव करेगा अब एक प्रकार का संबंध और देखने को मिलता है जिसे हम न्यूट्रलिज्म कहते हैं तटस्थता इसका क्या अर्थ है कि दो जातियां साथ तो रहती हैं परस्पर अंतर क्रिया तो करती हैं लेकिन ये अंतर क्रिया बहुत कम देखने दिखाई देती है इनमें न किसी जाति को लाभ होता है न किसी जाति को हानि होती है दोनों जातियाँ परस्पर साथ रहते हुए जीवित रहती हैं न्यूट्रलिज्म को हम इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर कोई हम कह सकते हैं किसी को शुगरी पदार्थ कहाँ पर गिरा हुआ है कोई मीठा पदार्थ कहीं पर गिरा हुआ है तो उस भोजन को चींटियां भी लेती है, उसी भी है। हैं उसी भोजन को मक्खियाँ भी प्राप्त करती हैं दोनों जातियाँ पर्स पर साथ रह रही हैं लेकिन बिना एक दूसरे को लाभ या हानि पहुँचाए हुए इस प्रकार से पादप जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अंतर क्रिया दिखाती हैं जिसे परस्पर जैविक अंतर क्रियाएँ कहा जाता है जिन्हें उनके परस्पर संबंध भी कहा जाता है तो इस प्रकार हमने दोनों प्रकार के पॉजिटिव और नेगेटिव अंतर क्रियाओं के बारे में आज हमने इसे जाना थैंक यू सो मच